न भूतकाल के बारे में सोचो और न ही भविष्य की चिंता करो, अपने दिमाग को सिर्फ वर्तमान में लगाओ। गौतम बुद्ध की यह स्पीच उन लोगों को जीवन सही से समझाने का प्रयास करती है जो पीछे और आगे, मतलब जो बीत गया और आने वाला है, उसकी चिंता करते हैं वर्तमान को छोड़कर। उनकी यह स्पीच वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। नेल्सन मंडेला की यह स्पीच उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई काम असंभव लगता है या फिर वह सोचते हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है, सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। थॉमस एडिसन की यह स्पीच हमें हर समय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, किसी भी काम में हार नहीं मानने और एक बार और प्रयास करने के लिए उत्साहित करती है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स की यह स्पीच आपको अपनी पसंद का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि आप जिस काम को पसंद कर रहे हैं उसी को करें। ऐसी और वीडियोज देखने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें।